जब मैं छोटा था ना, मैंने बहुत बार देखा था पापा को शेव करते थे और उसके बाद एक पत्थर को गीला करते थे और फेस पे पूरा लगा लेते थे। बड़ा अजीब सा लगता है देख के कि आखिर ये है क्या चीज। आपने भी, मैं श्योर हूं, ये जरूर देखा होगा अपनी मॉम या डैड को जब वो मॉम कहां से आ गई, सोच के इतना फनी सा लग रहा है कि मॉम जब शेव करेगी। खैर छोड़ो, फिर जब अपना नंबर आया ना शेव करने का, वही चीज पापा ने फॉरवर्ड कर दी, ले बेटा ये है आफ्टर शेव की तरह, जब शेव करें ना उसके बाद इसको लगाना है। पर कैसे मान ले पापा की बात, ओल्ड जनरेशन है, हमें तो भैया लेटेस्ट चीज़ चाहिए। मार्केट में आते आफ्टर शेव लोशन, हमारे को वही ही चाहिए, पापा तो पैसे बचाने के लिए ही कर रहे होंगे। पर आज पता लगा वो कोई कंजूसी नहीं है। फिटकरी या फिर इंग्लिश में बोले एलम किसी मैजिक से कम नहीं होता हमारी स्किन के लिए। फिटकरी के अंदर होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो हमारी स्किन को बे इंतहा फायदा देते हैं। अगर आपकी स्किन पे एक्ने के निशान हैं, स्कार्स रह गए हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ओपन पोर्स हैं, या फिर रिंकल्स या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, तो फिटकरी आपकी स्किन के लिए प्रॉपर मैजिक वाला काम करेगी। और वो हम बताएंगे कैसे। हम आपको आज की वीडियो में 3-4 कमाल की रेमेडीज बताने वाली है, जो आप आराम से फॉलो कर सकते हो फिटकरी के साथ, और वो भी कुछ ही मिनटों में। इससे आसान रेमेडी मुझे नहीं लगता मैंने अपने चैनल पर कभी भी बताई है। आपका कुछ वक्त नहीं मिलने वाला, और जो फायदा वो देगी ना वो बहुत ही बढ़िया है। एक इंग्रेडिएंट और वो इतना यूजफुल होगा आपकी स्किन के लिए कि आप खुद जानकर हैरान हो जाओगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं एक छोटा सा पॉज लेना चाहूंगा। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1 मिलियन हमने सोचा था अब तक हम पहुंच जाएंगे, बट वो लक्ष्य इतना पास होके भी इतना दूर सा नजर आ रहा है ना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने ये वाली वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। पर उनको वीडियो पसंद आए सिर्फ तभी। 1 मिलियन आपने मेरे को जल्दी से पहुंचाना है, और मुझे पता लगना चाहिए मेरे बोलने का कुछ फ़ायदा हुआ है। आपका प्यार मुझे इस वीडियो के बाद दिखना चाहिए। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ ना फिटकरी की, तो आपको 10 से 15 रुपये में आराम से मिल जाएगा आपके बगल वाली किराना दुकान पर। आपने वो खरीदना है। और अब मैं शुरू करता हूँ अपने आज की रेमेडीज। रेमेडी नंबर 1, स्किन ब्राइटनिंग एंड ओपन पोर्स टाइटनिंग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है लोगों को, फेस पे बढ़िया वाला ग्लो भी चाहिए, ओपन पोर्स को टाइटन अप भी करना है। ये फिटकरी जो है ना अकेले ये दोनों काम कर देगी। जो फिटकरी होती है ना वो आपके सेल्स को श्रिंक करने का काम करती है, आपके पोर्स को श्रिंक करने का काम करती है, और साथ साथ ऑयल कंट्रोल करती है आपके फेस पे, और साथ में ज़बरदस्त शाइन तो ऐड करती ही है। आपका फेस ऐसे नेक्स्ट लेवल का ग्लो करेगा ना जैसे आप फेशियल ही करवा कर आए हो। करना क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपने फिटकरी को लेना है और उसको प्रॉपरली गीला कर लेना है, और अपने फेस पे प्रॉपरली रन करना है, नेक पे भी रन कर सकते हो। आपको हो सकता है महसूस हो थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन मेरे फेस पे हो रही है, बट टेंशन ना लो, बिल्कुल ही नॉर्मल है। उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, हो सकता है आपके फेस पे कोई कट वगैरह होगा या एक्टिव एक्ने होगा, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी जलन फील हो रही है। आपने जब उसको 10 से 15 सेकंड 30 सेकंड तक उसको मसाज कर सकते हो। देन आपने करना कि 15 सेकंड तक उसको फेस पे रहने देना है। देन आप उसको प्रॉपरली वाटर से रिंस कर सकते हो। आप इस रेमेडी को डेली फॉलो कर सकते हो, और जो टोनर नहीं कर पाते ना वो ये फिटकरी करेगी अकेले ही, आपके पोर्स को टाइटन अप करेगी और फेस पे ऐड करेगी जबरदस्त वाला ग्लो। रेमेडी नंबर 2, डार्क अंडरआर्म्स ट्रीटमेंट। आजकल इतने ज्यादा कॉमन हो गए ना डार्क अंडरआर्म्स, उसके बहुत से रीजंस हैं। सबसे पहले हेयर रिमूवल क्रीम्स, शेव कर लेना, वैक्सिंग, और भी बहुत से रीजन होते हैं। आप रोल ऑन्स वगैरह यूज करते हो, उसकी वजह से भी अंडरआर्म डार्क हो जाते हैं। अब उसी की रेमेडी है फिटकरी अपने में ही। आपने करना क्या है पहले मैं वो बताता हूँ। आपने फिटकरी को लेना है और उस पर रोज वाटर स्प्रे करना है बहुत बढ़िया ढंग से। देन आपने उसको अपने अंडरआर्म्स पे प्रॉपरली मसाज करना है। ये वाली रेमेडी भी आपने डेली फॉलो करनी है। आपको खुद ब खुद डिफरेंस दिखने लग जाएगा। 2 हफ्ते में आपके अंडरआर्म्स लाइटन अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, जो काम एक रोल ऑन करता है ना आपके अंडरआर्म्स पे, दैट इज आपका बॉडी ऑडर नहीं आने देता, एक एंटी परस्पिरेंट का काम करता है, वही काम ये फिटकरी करने वाली है। एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर रहे, जो रोल ऑन होते हैं उसके अंदर डाली जाती है खुशबू, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, बट आपका बॉडी ऑडर नहीं आने देगा, और साथ साथ आपके अंडर आर्म को रखेगा बिल्कुल ही ऑडर फ्री, और साथ साथ लाइटन अप तो करेगा ही। रेमेडी नंबर 3, स्किन टाइटनिंग मास्क। सैगिंग स्किन, लटकती स्किन, लूज स्किन, ये सब फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग है, जो मैं श्योर हूँ आपको 30-35 के बाद आराम से महसूस होना शुरू हो जाएंगे। तो हम आपके लिए रेडी करवाएंगे एक स्किन टाइटनिंग मास्क विद द हेल्प ऑफ फिटकरी। अब आपने करना क्या है, वो जो फिटकरी है ना उसको आपने बढ़िया ढंग से कूट लेना है और प्रॉपरली पाउडर बना लेना है। आपने मेक श्योर करना है जब वो पाउडर, उसको अच्छे से छान लो ताकि कोई भी ऐसा पार्टिकल ना रह जाए जो आपकी स्किन को नुकसान दे। अब ये रेडी हो गया आपका फिटकरी पाउडर, इसको एक साइड कर रख लो। अब इसमें हमने 2 इंग्रेडिएंट्स और मिलाने हैं। एक ग्लास बोल ले लो
उसमें आपने डालना है एक अंडे का व्हाइट पार्ट, अंडे में छेद कर लो और उसका व्हाइट पार्ट प्रॉपरली बाहर निकल आएगा। वो व्हाइट पार्ट आपने निकाला, उसमें आपने डालना है फिटकरी का एक चम्मच, बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो और मिला लो थोड़ा सा रोज वाटर, दैट इज इट। आपका रेडी हो चुका है स्किन टाइटनिंग फेस मास्क। अब आपने इस मास्क को पूरे फेस पे अपने अप्लाई करना है, नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपने 30 मिनट तक इसको लीव ऑन करना है, ये थोड़ा सा श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, इसका यही मतलब आपकी स्किन को भी टाइट कर रहा है। देन आप इसको प्रॉपरली रिंस कर सकते हो या गीले टॉवल से पोंछ सकते हो। आप इस मास्क को हफ्ते में एक बार फॉलो कर सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। एंड मार्क माई वर्ड्स, जो महंगे महंगे कहते हैं ना, क्लेम करते हैं स्किन टाइटनिंग मास्क, स्किन आपकी टाइट कर देंगे, स्किन को लिफ्ट कर देंगे, ये वाली रेमेडी उन सारों से ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली है और आपके लिए बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं देगी, साथ साथ बढ़िया ग्लो तो देगी ही। रेमेडी नंबर 4, फेस वॉश एंड बॉडी डिटॉक्स विद फिटकरी। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फेस से एक्ने के निशान हटा सकते हो, जो महंगे महंगे फेस वॉश नहीं कर पाए, आपने इतने पैसे खर्च दिए, उल्टा स्किन डिग्रेडी हो गई है, ये वाली रेमेडी आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। और साथ साथ कैसे आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली डिटॉक्स कर सकते हो, सारी इंप्योरिटीज को हटा सकते हो। आपने करना क्या है, जो भी फेस वॉश आप यूज करते हो या अगर फेस वॉश नहीं भी यूज करना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने एक मग लेना है, उसमें लगभग आधे से एक चम्मच फिटकरी का पाउडर डालना है जो हमने रेडी करवाया था पिछली रेमेडी में, उनको प्रॉपरली बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो। अब जब आप फेस को वॉश करोगे, अगर एक फेस वॉश कर रहे हो प्रॉपरली अच्छे से आपने फोम बनाई, फिर जब आपने वॉश करना है ना, इस फिटकरी वाले पानी से वॉश करना है और मार्क माय वर्ड्स, आपके एक्ने पूरी तरह ही हटा देगा, चाहे एक्टिव एक्ने ही क्यों ना हो, चाहे एक्ने के निशान ही क्यों ना हो। और अगर आप एक फेस वॉश नहीं यूज कर रहे हो, सीधा इस पानी से आप फेस को वॉश कर सकते हो और इस रेमेडी को आप डेली यूज कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं देने वाली। अब बात करते हैं बॉडी डिटॉक्स कैसे कर सकते हो। जो आपका नहाने का पानी है उसमें आपने 2 चम्मच फिटकरी पाउडर डाल लेना है, अच्छे से मिक्स कर लो और आपने उस पानी से नहाना है, बॉडी पे डालना है उस पानी को, और आपकी बॉडी से प्रॉपरली इंप्यूरिटीज रिमूव हो जाएगी और बॉडी हो जाएगी आपकी डिटॉक्स, बढ़िया ढंग से शाइन भी करेगी और डेड स्किन भी हट जाएगी। एंड फाइनली रेमेडी नंबर 5 जो है हमारी आज की मेन रेमेडी, स्कार करेक्टिंग मास्क। ये बहुत बड़ी समस्या है, मेरे फेस पे चोट का निशान है, एक्ने का निशान है, ओपन पोर्स है, ब्लेमिशेस है, उसका कोई सोल्यूशन बताओ, तो ये वाला मास्क इन सारी प्रॉब्लम्स पे वर्क करने वाला है। अब जो फिटकरी पाउडर हमने आपके लिए रेडी करवाया, आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ में आपको चाहिए होंगे 2 और इंग्रेडिएंट, एक आपको चाहिए होगा मुल्तानी मिट्टी, जो कि एक कमाल की क्ले होती है, ऑयल कंट्रोल करती है, एक्ने हटाती है, फेस को ऑयल फ्री और ग्लोइंग रखती है। और साथ में हमें चाहिए होगा मिल्क, जो कि आता है स्किन लाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज के साथ, साथ साथ एक कमाल का क्लेंजर भी है। अब सीधा आगे बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ कि कैसे आप एक कमाल का मास्क रेडी कर सकते हो। सबसे पहले तो ले लो एक ग्लास बोल, उसमें आपने डालना है 1 चम्मच फिटकरी पाउडर और 2 चम्मच मुल्तानी पाउडर, प्रॉपरली बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो। अब आपने इसमें डालना है दूध, आप 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, पर मेक श्योर करना आपका पेस्ट बिल्कुल लंप फ्री बने और ज़्यादा पतला ना बने, इतना थिक हो कि लगाने में आपको आसानी हो। अब ये वाला मास्क आप अपने पूरे फेस पे लगा सकते हो, नेक पे जरूर लगाना, बिकॉज हमारे नेक को भी बढ़िया ग्लो की जरूरत होती है। आप अगर चाहो इसको एज अ स्पॉट करेक्टिंग मास्क भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ जहाँ निशान है ना वहाँ वहाँ भी लगा सकते हो डेली, बट अगर आप पूरे फेस पे लगा रहे हो तो सिर्फ हफ्ते में एक ही बार आपने इसको यूज़ करना है। पूरे फेस पे लगाया, 15 से 20 मिनट इसको रखना है, थोड़ा सा सूखना शुरू हो जाएगा, देन आप इसको प्रॉपरली वॉश ऑफ कर सकते हो। एंड मार्क माय वर्ड्स, जो एंटी एक्ने मास्क होते हैं ना, जिसमें बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री है और भी बहुत से इंग्रेडिएंट है जो स्कार हटाएंगे, ये उनसे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा सेफ होने वाला है आपकी स्किन के लिए, बढ़िया वाला ग्लो तो देगा ही, साथ में स्कार बिल्कुल खत्म कर देगा। करना क्या है, सबसे पहले करो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और जाओ नीचे एक फिटकरी खरीद कर आओ और एक कमाल की रेमेडीज आज ही फॉलो करो। आपकी कौन सी वाली फेवरेट थी हमें कमेंट कर बताओ। जब आप कोई रेमेडी यूज करते हो ना, उसका रिजल्ट क्या आता है आपकी स्किन पे, जरूर कमेंट किया करो। जब आप यूज करते हो वो बाकी व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है और उनको बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं कि रेमेडी दूसरे के लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे लिए भी हेल्पफुल रहेगी। वैसे जो जो मैंने बताया ना, सब ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले हैं, मेरे जो कस्टमर्स आते हैं ना वही लोग मेरे को बताते हैं कि मैं ये रेमेडी फॉलो करता हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज आप ही तो मेरी फैमिली। आज की वीडियो में चाहिए आपसे प्यार फैमिली वाला ही। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।